लाइक रेड हो गया, उसके बाद ब्लू हो गया, उसके बाद ग्रीन हो गया। वैसे मेरा अगर आप सेविंग्स देखना चाहते हो तो फिर मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कॉस्ट मेरे को पड़ा लाइक 1,12,000 रुपए के आसपास। क्यों कामों का ये सब परचेस करना, जैसा चल रहा था वैसा चलने दे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल। हाँ मैं इधर हूँ चेयर पे, ये देखो चेयर भी हिल रहा है। ओ सॉरी, मैं यहाँ पर ओपेसिटी को बढ़ाना भूल गया। 3, 2, 1 कुछ महीनों से आप लोग मेरे पीछे ही पर गए कि भाई रूम टू लाओ, सेटअप टू लाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो तो फिर आप लोगों को शायद पता होगा कि मैंने इस रूम का टूर कर चुका हूँ पहले। उसके बाद मैंने अपना रूम भी चेंज नहीं किया एंड अपना सेटअप भी चेंज नहीं किया, रूम सेम है। लेकिन मेरे दोस्त, इस रूम पे उस वीडियो के बाद इतने सारे कमाल के गैजेट्स ऐड हुआ है ना, आप लोगों ने भी देखा है कि मैंने बहुत सारे गैजेट्स का रिसेंटली रिव्यू किया है एंड कुछ गैजेट्स मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया क्योंकि उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा और Yeah, that's why. लेकिन फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे को ना कमेंट पे ये डेली बोलते हो कि यार रूम टूर डालो, सेटअप टूर दो, मेरे को देखना है कि तेरे पास क्या क्या है। मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक सेटअप टूर कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल। वैसे ये मेरा ग्रैंडफादर है, नमस्ते बोलो। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये हमेशा एक वैसे चेयर का आवाज है, इग्नोर दैट प्लीज। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मेरा जो फेस कैम वाला सेटअप है वो दिखने में कैसा है। देखो ये है कैमरा, एज यू कैन सी यहाँ पर मैं अभी DSLR यूज कर रहा हूँ, कैनन का 800D, फोकस हो जा 800D। एंड उसी के साथ ही साथ ये है सिग्मा का 1835mm वाला एक लेंस। कोलकाता से मैंने इसको परचेस किया, ऑनलाइन मेरे को नहीं मिल रहा था, दैट्स व्हाई मैं लिंक भी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। बहुत मुश्किलों के बाद मेरे को ये वाला लेंस मिला, मेरे को चाहिए था सच में। एक्चुअली इस लेंस का खासियत यह है कि आपको मेरे बैकग्राउंड पे एक बहुत ही अच्छा खासा ब्लर दिखाई देता होगा ना। सो अभी आप सोचोगे कि यहाँ पर तो 50mm से भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको डिस्टेंस चाहिए होता है, लेकिन ये कम डिस्टेंस पर भी आपको ब्लर इफेक्ट दे देता है, अच्छी बात है। और जहां तक कि कम डिस्टेंस पे आपको ब्लर इफेक्ट प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा है, 75K, शो ऑफ। सो ये है मेरा कैमरा वाला सेटअप सिर्फ वो फेस कैम करने के लिए। एंड उसी के साथ मैं यहाँ पर माइक को यूज करता हूँ, जूम H5 वाला माइक जो कि मैंने रिसेंटली परचेस किया है। और ये एक सिर्फ माइक ही नहीं, ये एक टोटल रिकॉर्डर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे कंट्रोलर्स दिया गया है और यहाँ पर मैंने हेडफोन को लगा रखा है। और इस माइक का प्राइस आपको लगभग 25,000 से 26,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है लेकिन साउंड क्वालिटी इसका बहुत ज्यादा खतरनाक है सच में। और यहाँ पर मेरा एक एक्सटर्नल मॉनिटर भी है, इसको मैं कभी कभी यूज करता हूँ, जो कि है लिलीपुट कंपनी का। ये भी मैंने कोलकाता से लिया था ऑनलाइन पे, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था दैट्स व्हाई, और कोलकाता में ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा चीपर मिल गया ये। और यहाँ पर मैं दो साउंड बॉक्स यूज कर रहा हूँ जो कि है पोट्रोनिक्स कंपनी का, बहुत ही अच्छा खासा साउंड बॉक्स है। आपको यहाँ पर 3 बल्ब लगाने के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिनको आप एक लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है एक्चुअली। और यहाँ पर मैं DSLR का जो ट्राइपॉड है वो यूज कर रहा हूँ, सिम्पेक्स कंपनी का एक ट्राइपॉड जो कि लगभग आपको 200 से 2300 रुपए के अंदर मिल जाता है Amazon पर भी। एंड उसी के साथ ही साथ मेरा एक सेकेंडरी एक ट्राइपॉड है, एज यू कैन सी, फोकस हो जा, जैसे कि आप देख सकते हो, इसको भी मैंने रिसेंटली परचेस किया है, बहुत ही ज्यादा कमाल का ट्राइपॉड है सच में। वैसे इसको थोड़ा सा इग्नोर करना ठीक है। ये जो ट्राइपॉड है वो एक्चुअली Digitech कंपनी का है। ये वाला ट्राइपॉड मैंने क्यों परचेस किया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है ये एक्चुअली में। उसी के साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स के मैं टॉप हेड शॉट्स लेता हूँ वो इसी ट्राइपॉड के दौरान पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि इससे आप क्या कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये अभी एक स्टैंड है, सो अभी आप चाहो तो इसको ऐसे करके एक्सटर्नली एक्सटेंड भी कर पाओगे। एंड उसी के साथ ही साथ टॉप हेड शॉट्स के लिए आप ऐसा भी कर पाओगे, जिससे आप यहाँ पर कैमरे को लगा के नीचे से ऐसे करके आप टॉप हेड शॉट्स को बहुत ही आसानी से ले सकते हो। एनीवेज ये तो हो गया फेस कैम वाला सेटअप मेरा, आप देख सकते हो। वैसे ना घर बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन मैं उसको ब्लेम नहीं करता, जो है उसी से खुश रहो, उसी पे आप अपग्रेड करो, ठीक है ना। वेल फेस कैम सेटअप के डाई और अगर हम मूव करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कुछ गार्बेज देखने को मिलेगा। गार्बेज नहीं है, ये है एक्चुअली एक्सरसाइज मैट। एंड उसी के साथ ये है एक एयर ब्लोअर, सभी एक टैकी चीज ही है। एंड उसी के साथ यहाँ पर एक टूल, आप यहाँ पर बैठ भी सकते हो। उसके बाद अगर आप इस टेबल को देखते हो तो फिर इस टेबल के ऊपर आपको एक जियो का राउटर देखने को मिलेगा, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जियो। एंड उसी के साथ एक है HP का ओमन सीरीज वाला लैपटॉप, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय HP। बेसिकली मैं इस लैपटॉप को तब यूज करता हूँ
हूँ जब मेरे को कहीं पे जाना होता है एंड वीडियो भी बनाना पड़ता है कभी कभार। सो एडिटिंग मैं इसी लैपटॉप से करवा लेता हूँ मेरे एडिटर से, या फिर मैं भी कर लेता हूँ कभी कभार। और जब मैंने इसको परचेस किया था उसका प्राइस था तब करीब 80,000 रुपए के आसपास। अभी लैपटॉप की ओर आ चुका है, सो अभी देख लेते हैं कि मैं कौन कौन से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हो कि आप पूछते हो कि मैं कौन कौन से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ पर्सनली, मतलब अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए। सो देख लो इधर आओ। हाँ, सो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर मेनली यूज करता हूँ कैमटेशिया 9 को, एंड उसी के साथ कभी कभार वो प्रीमियर प्रो को भी यूज कर लेता हूँ, एंड वंडरशेयर का जो फिल्मोरा गो एप्लीकेशन है, आई मीन सॉफ्टवेयर है, उसको मैं यूज कर लेता हूँ। और एक चीज मैं साथ ही साथ जो है इस सॉफ्टवेयर को भी यूज करता हूँ जिसका नाम है वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना ज्यादा एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये मेरे लिए, एक लाइफ सेविंग सॉफ्टवेयर आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से मान लीजिए कि आपने एक ऐसे कैमरे से वीडियो को शूट किया जिसका फॉर्मेट आपके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से इसको कन्वर्ट कर पाओगे किसी भी फॉर्मेट में एंड एडिट कर पाओगे। और उसके साथ ही साथ आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे, और हल्का फुल्का अगर आपको एडिटिंग करना है तब भी आप इसके मदद से एडिटिंग कर पाओगे, लाइक जो कटफट हो गया सब कुछ। और मान लीजिए कि आपको एक बड़ा वीडियो फुटेज को कंप्रेस करके छोटा बनाना है तो फिर आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर पाओगे। अभी आपको लगता होगा कि मैं एकदम से जो रॉ फुटेज है उसी को डाल देता हूँ यूट्यूब पे, नहीं, मेरे को कंप्रेस करना पड़ता है तभी जाके मैं यूट्यूब पे डाल पाता हूँ, अदरवाइज वीडियो अपलोड ही होता जाएगा, कभी पोस्ट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता ना। वेल, अगर आप एक क्रिएटर हो तो फिर मैं इसको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इसको यूज करके देखो एक बार, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट एक ऑल इन वन टूल है, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वेल, उसके बाद आप देख पाओगे कि मैं इस माउस के साथ जो है एक लॉजिटेक का माउस यूज करता हूँ, वायरलेस माउस है, मैं इसको एक साल से यूज कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कमाल का माउस मेरे को लगा। बेसिकली इस माउस का खासियत यह है कि इस पर ना टैप करने से कोई भी आवाज नहीं होता, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो फिर आवाज नहीं होता। हाँ, और यहाँ पर है मेरा DJI टेलो वाला ड्रोन जो कि एक छोटा वाला ड्रोन है, आप देख सकते हो दिखने में कैसा है। और यहाँ पर है दो स्पीकर जो कि मैं अभी हाल ही में लैपटॉप के साथ यूज कर रहा हूँ, रेगर वालों ने मेरे को सेंड किया था। और उसी के साथ नीचे आप देख पाओ कि यहाँ पर है एक गिम्बल जो कि ज्यून क्रेन स्मूथ 2 वाला गिम्बल है, एक परफेक्ट गिम्बल है मिरर वाले कैमरे के लिए, ना कि मिररलेस के लिए तो बहुत ज्यादा सही है, लेकिन मिरर वाले कैमरास के लिए ये वाला गिम्बल एक परफेक्ट गिम्बल है। ये भी अराउंड मेरे को 40,000 रुपए के आसपास पड़ा था, कोलकाता से लिया था मैंने इसको। उसके बाद आपको ऊपर एक एसुस का प्रिंटर, सॉरी एक कैनन का प्रिंटर देखने को मिलेगा जो कि एक कलर प्रिंटर है, इसको आप वायर्ड प्रिंटर भी कह सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर एक वाईफाई करके ऑप्शन भी अवेलेबल है जिससे आप अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके वायरलेसली प्रिंट आउट कर पाओगे, अच्छा प्रिंटर है। इट कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीस यू कैन से। और एक चीज मैं बोल दूं कि यहाँ पर मैं जितनी भी चीजों का लाइक आपके सामने शो ऑफ करने वाला हूँ, सभी चीजों का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, जितना अवेलेबिलिटी होगा मैं डाल दूंगा, अगर आपको परचेस करना है तो फिर आप परचेस कर सकते हो, नो वरीज। एनीवेज, उसके बाद ये एक लैपटॉप है, मिनी लैपटॉप है, इसको मैंने परचेस किया था वो स्क्रिप्टिंग के लिए एक्चुअली, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा लैपटॉप है, आप इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है स्क्रिप्टिंग वगैरह कर पाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, और इसका जो कीज है वो भी मेरे को काफी ज्यादा सही लगा, थोड़ा सा स्लो है लेकिन काम चल जाता है, अच्छा लैपटॉप है। ये भी करीब 20,000 रुपए के आसपास मेरे को पड़ा अमेज़न से। और ये है एक बहुत ही कमाल का चीज, एक AC, यस, ये एक एयर कंडीशनर है जो कि ब्लू स्टार कंपनी का है, ब्लू स्टार वालों ने तो मेरे को नहीं भेजा ये वाला चीज, इसको मैंने खुद परचेस किया था, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि अभी गर्मी का हालत कैसा है, बहुत ही ज्यादा लाइक पसीना आ जाता है जब भी मैं वीडियो शूट करने बैठता हूँ, सो अभी ये है, दैट्स व्हाई मैं अभी हूँ। बेसिकली मैंने इसी को क्यों परचेस किया, मैंने जो सीलिंग पर लगा हुआ रहता है उसी को क्यों नहीं लिया, रीजन है कि मैं रहता हूँ रेंट पे, सो रेंट के घर पे मैं ऐसे छेद करके परमानेंट छेद करके मैं लगा नहीं सकता, लेकिन मैंने इसको परचेस किया बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक पोर्टेबल AC है, नीचे कुछ व्हील्स है जिससे कि आप इसको मूव वगैरह कर पाओगे, एंड उसी के साथ ही साथ इसका जो है ना वो पाइप है, एग्जॉस्ट पाइप है, वो यहाँ से निकलता है मेरे खिड़की से, वैसे ना ये वाला खिड़की हमेशा खुला रहता है क्योंकि इसको अगर आपने एक बार लगवा लिया तो फिर परमानेंट हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, ग्रिल विल तो है। और यहाँ पर जो आप ये वाला एक लाइट देख रहे हो जो कि चमकीला है, हमेशा गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता रहता है, इस लाइट का नाम है नैनो लीफ, इसका कॉस्ट है करीब से करीब 17,000 रुपए के आसपास, हाँ सिर्फ ये वाला लाइट। अभी आप लोग सोचोगे कि मैंने इतने सारे पैसे दे के इस लाइट को ही क्यों परचेस किया, ऐसा तो बहुत सारे लाइट्स है, लेकिन ये एक स्मार्ट लाइट है जिसको कि आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर पाओगे, लेट मी शो यू। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाला लाइट अभी इस स्मार्ट
स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड है। सो मैं अभी चाहूँ तो ऐसे करके जो इसका ब्राइटनेस घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कलर्स को जो है चेंज कर सकता हूँ। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, लाइक रेड हो गया, उसके बाद ब्लू हो गया, उसके बाद ग्रीन हो गया, बहुत सारे कलर्स है। उसके बाद आप चाहो तो इन लाइट्स को जो है आवाज के जरिए भी कंट्रोल कर पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काश और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी जो है लाइट वो अभी नाच रहा है मेरे आवाज के रिगार्डिंग। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 स्मार्ट लाइट। और आप चाहो तो यहाँ पर ना एक्स्ट्रा जो पैनल है, यहाँ पर जो आप ऐसे करके त्रिकोण देख रहे हो, इनको आप अलग से भी परचेस करके इनको आप बढ़ा सकते हो। लाइक जितना चाहो आप उतना ज्यादा लगा के आप शो ऑफ कर सकते हो। लेकिन बॉस अभी के लिए तो इतना ही है, इतना मेरे लिए ठीक है, इस घर के लिए तो परफेक्ट है। सो दैट्स व्हाई मैंने इनको परचेस किया। अच्छा लगा मेरे को क्योंकि मैंने देखा है कि बाहर के बहुत सारे यूट्यूबर्स इन लाइट्स को यूज करते हैं, कूल लगता है। उसी के साथ आपको यहाँ पर दो राइटिंग पैड्स देखने को मिल जाएंगे जिन पे कि मैं अपने वीडियो के टॉपिक्स लिखा करता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं। लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, 500 रुपए का है, आप इनको परचेस कर सकते हो। सो अभी बढ़ते हैं मेन चीज के ओर। मेरा जो मेन मशीन, एडिटिंग मशीन, ये देखो, ये है मारा छोड़ो। सो ये है मेरा टोटल एडिटिंग सेटअप जिसपे की बैठ के मेरा एडिटर कभी कभी काम करता है और मैं हमेशा काम करता हूँ। सो इस टेबल पे अभी क्या क्या है, पहले तो देख लो कि ये है एक UPS बैटरी, कंप्यूटर का बैटरी, एंड उसी के ऊपर है एक अलादीन का चिराग जो कि मैंने एज ए शोकेस के लिए परचेस किया है। इससे असली वाला जिन तो निकलता है नहीं, अगर कभी निकल जाए ना तो फिर मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चाहिए ना वीडियो, चाहिए चाहिए। उसके बाद ये है एक वो क्या कहते हैं इसको, हाँ, सुपर क्लीनिंग ग्लू जिसको कि आप सिर्फ टच करवा देते हो किसी भी सरफेस के ऊपर और उस सरफेस के ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी है वो सब कुछ ये खींच लेता है। उसके बाद है यहाँ पर एक बक्सा जिसके ऊपर है एक छोटा सा डायरी जिसपे कि कभी कभी मैं कुछ भी लिखता रहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद ये है एक, और यहाँ पर मैं इस बक्से पे बेसिकली जो छोटे छोटे चीजें होते हैं वो जो कि कभी कभी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, मैं सब कुछ यहाँ पर सॉर्टेड करके रख देता हूँ। और ये है दुनिया का सबसे कीमती चीज, एक कार्ड रीडर। ये नहीं है तो फिर वीडियो कभी नहीं बन सकता, एडिट ही नहीं हो पाएगा। जाना तो चाहिए ना पीसी पे पहले तो, विनोद विनोद। वेल, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर है एक बोट का मिनी ब्लूटूथ स्पीकर, एज यू कैन सी, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा सही लगा। एक परफेक्ट ब्लूटूथ स्पीकर आप इसको कह सकते हो जिसका बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा सही है, एंड उसी के साथ ही साथ बेस तो पूछो ही मत, ये खुद हिलता है बजने के टाइम पे। और ये है मेरा चश्मे का डब्बा। उसके बाद है ये और एक ब्लूटूथ स्पीकर जिसका गिव अवे भी आने वाला है बहुत ही जल्द। और ये है मेरा आईफोन का ईयरफोन्स। उसके बाद यहाँ पर है एक स्मार्टफोन रखने वाला जो भी है स्टैंड। उसके बाद ये है मेरा जो स्कूटी है जो मैंने परचेस किया था, हाँ मेरा एक बर्गमैन भी है, हाँ बर्गमैन स्कूटी, मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा सही लगा एक्चुअली में। उसके बाद ये है मेरा वॉलेट जिसपे की 10-20 रुपए है। वैसे मेरा अगर आप सेविंग्स देखना चाहते हो तो फिर मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद ये है मेरा कार्ड रखने वाला जो भी है बैग। उसके बाद ये है मेरा रियलमी का ईयरबड्स, एंड उसके बाद है एक रियलमी का वॉच जो कि मैं कभी कभी यूज करता हूँ। और ये है मेरा एक किंडल जिसपे कि मैं कभी कभी पढ़ाई वगैरह कर लेता हूँ, पढ़ाई बोले तो जो स्टोरीज है पढ़ लेता हूँ। वेल, ये है मेरा एक छोटू सा दोस्त जो कि 50K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद आया था मेरे पास। मेरा फेवरेट चीज है, ये चीज नहीं दोस्ती तो है, दोस्ती में चलता रहता है बस, डोंट माइंड। उसके बाद ये है मेरा फेवरेट मॉनिटर जो कि मैं बहुत पहले से यूज करते आ रहा हूँ। उसके एक बार परचेस करने के बाद मैंने इसको कभी भी चेंज नहीं किया आज तक। मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा सही लगा ये वाला मॉनिटर, बिकॉज मैंने लाइफ पे बहुत सारे मॉनिटर्स देखे हैं जिन पे काम करने के बाद आंखों पे स्टेन पड़ जाता है, लेकिन इस पे आप कितने देर भी काम करो कोई दिक्कत नहीं होगा आपके आंखों पे। तो ये एक्चुअली LG का एक वाइड एंगल वाला मॉनिटर है जिसको मैंने परचेस किया था लगभग बहुत पहले, 25,000 रुपए था उसका प्राइस पहले, अभी बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है, आप इसको परचेस कर सकते हो चाहो तो। एंड यस, इट्स अ 4K डिस्प्ले। और उसी के साथ मैं यहाँ पर वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस यूज कर रहा हूँ Logitech कंपनी का, जो कि रियली में बहुत ज्यादा सही कीबोर्ड है एंड माउस भी बहुत ज्यादा सही है, काम चल जाता है, एडिटिंग के लिए चल जाता है। अभी मेरे को पता नहीं कि टाइपिंग के लिए कैसा है, ऑफकोर्स अलग ही एक्सपीरियंस होगा क्योंकि यहाँ पर जो कीज के रिगार्डिंग जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। एंड यस, द मास्टरपीस द CPU जिसको मैंने कोलकाता से असेंबल करवा के लाया था, और यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हो।
ये मुझे ऑनेस्टली मेरे ही एक यूट्यूबर दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया था कि ऐसे ऐसे करके से असेंबल करने के लिए, उनका नाम है एंड्रो क्रंच, आई मीन उनके चैनल का नाम है एंड्रो क्रंच, एंड थैंक्स दिवांजन फॉर दिस कॉम्बिनेशन। और इसका होल ओवर द कॉस्ट मेरे को पड़ा लाइक 1,12,000 रुपए के आसपास इंक्लूडिंग जीएसटी। बीस्ट है, एकदम बीस्ट। लाइक ऐसा मैंने बनवा के लाया जैसे कि मेरे को नेक्स्ट 5 years तक चिंता ही ना करना पड़े किसी भी लाइक असेंबल करवाने के लिए, काम चल रहा है धड़ाधड़। उसके बाद ये है एक रिंग लाइट, एज यू कैन सी, जिसको मैंने कोलकाता से ही परचेस करके लाया था। बहुत ज्यादा कमाल का एक रिंग लाइट है जिसका आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आई मीन जो वर्मनेस है उसको, उसके बाद ब्राइटनेस को भी घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। एज यू कैन सी कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा सही है। अमेजोन पे ये थोड़ा सा चीप प्राइस पे आपको मिल जाता है, लेकिन हाँ मैंने इसको लोकल दुकान से परचेस किया था, सो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा था इसका। उसके बाद मैं यहाँ पर दो चीजों को लटका के रखा है, एक तो है जेब्रोनिक्स का बॉक्स, हो सके तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर, और यहाँ पर है एक रियलमी का वायरलेस ईयरफोन्स, इसका भी मैंने रिव्यू कर रखा है, चाहो तो आप देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। वेल यहाँ पर जो आप कुछ ऐसे लाइट्स को देख रहे हो, इनको कहते हैं एक्चुअली कॉपर लाइट, अमेजोन पे बहुत ही ज्यादा सस्ते पे आपको मिल जाता है, लाइक 200-300 पे तो आराम से मिल जाता है। ये एक बेसिकली यूएसबी लाइट है, सो आप चाहो तो इनको पावर बैंक से भी कनेक्ट करके पावर अप करवाओगे, एंड वाटर प्रूफ है, डोंट वरी अबाउट दैट। और उसी के साथ ही साथ अगर मैं ऐसे करके डाई और मोड़ता हूँ तो फिर यस हियर इज समथिंग यू नेवर सीन बिफोर। यहाँ पर जितने भी मेरे पास रिव्यूज के प्रोडक्ट्स आते हैं उनका डब्बा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो अंदर तो बहुत कुछ है, सो अंदर की बात है अंदर ही रहने देते हैं, ऊपर की बात देखते हैं। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर है एक स्विच बोर्ड, यहाँ पर मैं अपना डिओड्रेंट रखता हूँ, कभी कभी बहुत ही सुगंध निकलता है, दैट्स व्हाई इनको कवर अप करने के लिए कभी कभी मैं इनको यूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ चार्जर वगैरह देख सकते हो, एंड यहाँ पर है गिम्बल के बैटरीज, एंड यहाँ पर दो मोबाइल होल्डर्स है, ये है बैटरी का चार्जर, और यहाँ पर है एक एक्शन कैमरा, और ये है वो जो निकलता है ना बबल, एक्चुअली इसको मैंने परचेस कर रखा है एक वीडियो के लिए, पर्टिकुलरली एक वीडियो के लिए, सो रखते हैं इसको साइड पे। और मेरा जो अभी डेली ड्राइवर वाला स्मार्टफोन है वो है ये रेडमी का नोट 9 प्रो वाला स्मार्टफोन। पता है कि ये एक चाइनीज स्मार्टफोन है, लेकिन क्या करे, कोई परचेस भी नहीं कर रहा है OLX पर डालने पर भी। उसके बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पर है एक 50mm प्राइम लेंस, उसके बाद ये है वो जो मॉनिटर वाला है ना, उस मॉनिटर का ये बैटरी है, ये वाला बैटरी। उसके बाद ये है ब्लू स्टोबल आइज वाला माइक, बहुत ज्यादा अच्छा एक माइक है अगर आप इसको प्रॉपरली यूज कर पाते हो तो। एंड उसी के साथ ही साथ ये है एक जूम का जूम H1N माइक, बजट के रिगार्डिंग सबसे सुपर पावरफुल एक माइक, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो फिर ये है वो माइक। उसके बाद ये है एक जियो फोन 2, एंड मैंने हाल ही में एक टैबलेट परचेस किया है 10 inch का टैबलेट, जो कि अराउंड 15,000 रुपए के आसपास मेरे को मिला, और काफी बड़ा टैब है, एज यू कैन सी आप इससे सब कुछ देख पाओगे बड़े बड़े, मतलब विजुअल्स बहुत ही बड़े होंगे और क्या। उसके बाद यहाँ पर है छोटे छोटे फोन्स जो कि मैं कभी कभार यूज कर लेता हूँ, ये तो एक लाइफ सेविंग फोन है आपको तो पता ही होगा, और इसको मैंने परचेस किया था एक वीडियो के लिए जिस पर कि आपको एक स्टाइलस पेन भी देखने को मिल जाता है। फोकस हो जा, फोकस। वेल इस पार्ट पे आपको एक स्टाइलस पेन भी देखने को मिल जाता है जिसके रिगार्डिंग मैंने एक टोटल वीडियो बना कर रखा है, उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही फेंक रखा है अगर किसी को परचेस करना है तो फिर। उसके बाद ये एक टॉर्च है जिसको मैंने अमेजोन से ही परचेस किया था, और इस टॉर्च का खास बात यह है कि इस पे ना बैटरी नहीं लगता, इसको आप ऐसे ऐसे करोगे तो फिर ये चार्ज हो जाता है, इस पे डायनामो है। वेल चार्ज होने के बाद ये जल जाता है, एज यू कैन सी लाइफ सेविंग चीज है। उसके बाद ये मेरा एक बिग इन्वेस्टमेंट है, ये है मी 10 5G स्मार्टफोन, एज यू कैन सी, और यस इस पे आपको 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, दैट्स व्हाई मैंने इसको परचेस किया था। उसके बाद ये है एक रियलमी का रियलमी बड्स क्यू, अच्छी है, अच्छा लगा मेरे को। और यहाँ पर आपको दो एक्सटर्नल बैटरीज देखने को मिल जाएगा जो कि नॉन ब्रांडेड है, ऑब्वियसली मेरे को नहीं मिल रहा था ब्रांडेड वन, सो दैट्स व्हाई मेरे को ये दोनों बैटरीज लेना पड़ा। और ये है मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स, और ये है फाइनली मेरा इन्वेस्टमेंट, ये देख सकते हो आप, बहुत सारे पैसे है मेरे पास। उसके बाद यहाँ पर और एक माइक है अगर आप देखना चाहते हो तो, ये है रोड का वायरलेस माइक, बहुत ही कमाल का माइक है, लाइक 17,000 रुपए का माइक है, एक कैमरे पे लगता है और दूसरा वाला माइक लगता है आपके कॉलर पे, ये वाला माइक आप देख सकते हो कि यहाँ पर माइक वाला सेक्शन है। और ये है लाइफ बॉय का सैनिटाइजर, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय लाइफ बॉय, लेकिन सभी को यूज करना चाहिए। सो बस यही है मेरे घर पे, अगर आप एक एक करके सभी को एड करोगे इनका प्राइस तो फिर आपको अराउंड इतना ही मिलेगा।
पड़ेगा, बिग इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, मैक्सिमम यूट्यूब का ही जो भी है, और बाकी मेरे फादर ने बहुत ज्यादा हेल्प किया था मेरे को स्टार्टिंग पे। पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा एक लगा रहता है कि हाँ मेरे को और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, मेरे को गियर्स परचेस करना है। कर सकता, इतने सारे पैसों को लगा के अपने लिए कुछ खरीद सकता, लेकिन नहीं, चैनल के लिए मैं गियर्स परचेस करता हूँ, रिस्क ले लेता हूँ कि हाँ मेरे को परचेस करना है, जीरो बैलेंस हो जाता है कभी कभार। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट इतना ज्यादा कमाल का है ना, लाइक परचेस करते टाइम मैं ये सोचता भी नहीं कि यार क्यों काम का ये सब परचेस करना, जैसा चल रहा था वैसा चलने थे, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों। आप में से जितने भी लोग मेरे को दोस्त मानते हो ना, थैंक यू सो मच यार, ऐसे ही सपोर्ट करना, भाई को भी अच्छा लगता है। स्ट्रगल तो बहुत देखे हैं, लेकिन सपोर्ट बहुत सारे देखे हैं, उससे भी ज्यादा देखे हैं। और भाई देख, अगर तू है तो फिर मैं भी हूँ, सपोर्ट करना यार, सच में दिल से बोला है। इसलिए जितने भी मेरे लाइक एज के हैं सभी को मैंने बोला, और जितने भी मेरे एज के मतलब मेरे से बड़े हो आप लोगों को तो आप ही बोलूंगा, और दैट्स व्हाई मैं मैक्स ऑफ द पीपल को मैं आप करके बोलता हूँ। पता नहीं रहता ना कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, दैट्स व्हाई फैमिली मेंबर्स हो यार, अच्छा लगता है, सपोर्ट करते हो, वेट करते हो वीडियोस के लिए, हमेशा वीडियोस को डाल नहीं पाता समय से, और इतना ज्यादा चुल मचा रहता है ना, लाइक जब भी मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, अभी देखो रात के 12:40 हो रहा है, मैं अभी व्लॉग टाइप का वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सेटअप टूर कर रहा हूँ। अभी आप बोलोगे कि तू पूरा दिन क्या करता है, दिन में वीडियो शूट नहीं हो पाता मेरे घर पे, रोड साइड पे है ना, दैट्स व्हाई रात को करता हूँ। रात को भी आप सुन सकते हो कभी कभार वो कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाँ सब कुछ टैकल करके चलेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। और अभी मैं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ जिससे कि एटलीस्ट ये जो सेटअप है अपग्रेड हो पाए, बस और कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे, सपोर्ट बनाए रखना। और हाँ, इन सभी को सिक्योरिटी देने के लिए एक बंदा है हमारे घर पे, वो है ये महाशय, आप देख सकते हो यहाँ पर हमेशा ताकता रहता है, आग दिखाता रहता है, हमेशा आग दिखाता है ये हमेशा। एनीवेज वीडियो कैसा लगा, अगर आपको इंस्पिरेशनल लगा या फिर जो भी लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड उसी के साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि कोई इसको देखे, देखकर मोटिवेशन लेके हाँ भाई मेरे को भी करना है। सो जितने भी लोग अभी यूट्यूब स्टार्ट करने वाले हो, बेस्ट ऑफ लक, करो जो मर्जी चाहे करो, वीडियोस बनाओ। और एक चीज, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो फिर मत सोचो, स्टार्ट कर दो। और हाँ, अगर इस बंदे को पहली दफा देख रहे हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बंगाली हो कभी कभार हिंदी अटक जाता है, लेकिन ट्राई करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट बना रहे। सो यस, मिलते हो किसी वीडियो के साथ, सो गुड बाय।